ठाकुर उधर से ऊपर सब हमारा। भाई ये बहुत प्यारी जगह है, यहाँ कोई नहीं आता, नारायण आए तो यहाँ लाजमी आए। ये सारे लोग नारायण से ही वापस चले जाते हैं, नारायण को हाथ लगाया, झील पे गए और वहाँ से वापस। यहाँ लाजमी आया करें, बहुत प्यारी जगह है। नारायण से जैसे ही आगे निकले हर लम्हा मंजर चेंज होता रहता है, ठंडी हवा, रोड के किनारे दरिया का ये मंजर बेहतरीन। जी आगे आगे यहाँ पे ये देखें, पुल क्रॉस करें तो सामने एक गांव है, इसको ये रास्ता जाता है। अगर आपके पास टाइम हो, आपने नाइट से यहाँ करना हो तो लाजमी रुकें इस एरिया में, शाम के टाइम यहाँ पे आएँ, दिन के टाइम लाजमी रुकें। ये होटल वगैरह बने हैं, आप दरिया के किनारे भी बैठ सकते हैं और गाँव में भी उधर घूम सकते हैं। मैं इसलिए नहीं रुक रहा कि मैं जा रहा हूँ सकरदू और आप रिवर राफ्टिंग के लिए ये पड़ी हैं। ये 2 किलोमीटर एरिए पर की जाती है, मैं नारायण से 4 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। यहाँ पे जिप लाइन का पॉइंट भी बन गया है, इसकी 1000 रुपये फीस है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये आ गया है। ये लेफ़्ट साइड पर देखें, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो पहले दिखाया था वो लेफ्ट, वो एंड पॉइंट है इसका। ये ले जी, सामने आ गई वाटरफॉल। मैं शार्ट क्लिप इसलिए बना रहा हूँ कि मैं बाबू सर टॉप तक तमाम पॉइंट दिखाना चाहता हूँ और होटल की डिटेल भी। अब भाई नारायण को बाय बाय बोलें, वहाँ नाइट स्टे करने के लिए ना रुकें, आगे बेशुमार जगह हैं और ख़ूबसूरत लोकेशन पर है, आप नाइट स्टे भी करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। मैं आगे आपको सारी लोकेशन बताता हूँ। ये देखें, ये वाटरफॉल है, 3-4 स्टेप हैं इसके, रोड के किनारे पर ही है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। यहाँ ऊपर तक जा सकते हैं लेकिन लेडीज़ वगैरह या बच्चे ऊपर ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वापसी उतरने में काफ़ी मुश्किल होती है। ये घोड़े देख के दिल कर रहा है कि बाइक को यहाँ भी खड़ा करूँ और घोड़े को पकड़ लूँ, उस पर बैठ के ना इस एरिया को एंजॉय करूँ। ये बस देखे अभी तक यहाँ चल रही है, हमारे पास तो सिर्फ तस्वीरों में ही रहेगी। ये नारायण में रुकना जो है ना, बस टाइम पास करने वाली बात है। नाइट स्टे का मतलब सिर्फ रात गुजारना नहीं होता, उस टाइम को एंजॉय करना भी होता है। आप ऐसी जगह पर रुकें जहाँ पे सूरज की सुबह की पहली किरणें भी आप देखें और ग़ुरूब होने का मंजर भी आप देखें। तो आगे आपको मैं काफ़ी पॉइंट बताऊंगा, 3-4 जहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे होल नज़र आ रहा है, यहाँ पर ना जाएँ, ये ख़तरनाक है, आगे से गहर है। ये हर साल इसका ये शेप होती है, यहाँ अगर जाएँ तो नीचे गिरने का ख़तरा है। मुझे इसलिए पता है कि मैं 2011 के बाद मुसलसल आ रहा हूँ, मेरा कोई साल मिस नहीं। हाँ 2020 कोरोना वाला मिस हो गया था। ये ऊपर होटल बने हैं कुछ, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो यहाँ से इसका रास्ता जाता है राइट साइड पे लालाजार का, एक बहुत प्यारी वादी है ऊपर। ये देखिए सामने कार खड़ी है, ये ऊपर, हाँ ऊपर जा रही है। इसके लिए आपको जीप वगैरह यहाँ से मिल जाती हैं, रोड के किनारे अक्सर खड़ी होती हैं। ये आगे लेफ्ट साइड पे खड़ी और ये राइट साइड पे काफ़ी खड़ी हैं। ये सारा ऑफ ट्रैक है, 4x4 ही जाती हैं या मोटरसाइकिल मुश्किल से चला जाता है। ये सामने आ गया बाटाकुंडी। इतने होटल बन रहे हैं, हर साल आएँ तो नक्शा ही चेंज होता है, जैसे किसी ने उठा के रखे हों। यहाँ पर आपको हर किस्म की वर्कशॉप और होटल वगैरह सब कुछ में। देखें मस्जिद कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त बड़ी जामा मस्जिद बन गई। यहाँ पे पहले पंचर की शॉप भी नहीं होती थी, आज से 7-8 साल पहले, फिर पंचर की शॉप बनी और अब तो वर्कशॉप बन गई हैं। आपने नाइट स्टे करना हो तो यहाँ पे करें, ये हाइट पर जगह है, यहाँ पे आपको सनसेट व्यू नज़र आता है और आप इन्जॉय करते हैं टाइम को। नारायण में अब नए लोग या जो रात को देर से पहुँचते हैं वो रुकें, नारायण में अब कुछ भी नहीं है। मैं मुखालफत नहीं कर रहा, मैं ख़ुद कई 2015-16 तक वहाँ पे नाइट स्टे करता रहा, लेकिन उसके बाद मैं आगे आना शुरू हो गया। ये राइट साइड आई लव बाटाकुंडी लिखा हुआ है, ये देखें। रात इंशाल्लाह स्टोर पहुँचना है, ये होटल ही होटल नज़र आएंगे। अब वीडियो में आपको अंदाज़ा हो रहा है कि लोकेशन कितनी प्यारी है। राइट साइड पे देखें कितने बेहतरीन पहाड़ हैं, नीचे दरिया नज़र आ रहे हैं। रास्ता नारायण से आगे हर लम्हा खूबसूरती बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप जाते हैं कोई टर्निंग लेते हैं कोई ना कोई नई चीज़ आपको नज़र आएगी। बर्फ़ के पहाड़ ये देखें, इतने ज़बरदस्त बर्फ़ के पहाड़ हैं। कभी ग्लेशियर नज़र आएगा, कभी वाटर क्रॉसिंग नज़र आएंगी, कुछ मेडोज़ नज़र आएंगे
बहुत बेहतरीन है। देखें यहाँ पे नारान से आगे आएँ, आपको झील मिलती है लोलोसर झील, ग्लेशियर बेशुमार मिलते हैं। ये देखें वाटर क्रॉसिंग बड़ी खूबसूरत है, बर्फ़ वाले पहाड़ आपको जूम करके चेक कराए, सरसब्ज पहाड़ हैं, सब कुछ मिलेगा। ये देखें खेती बाड़ी हो रही है, ये देखें जी। मैं तो ऐसे सीन को इंजॉय करता हूँ, रुक रुक के जाता हूँ, कभी भी ऐसे टापो टाप नहीं भागा, इसलिए मैं थोड़ा लेट ही पहुँचता हूँ, लेकिन अपना मैनेज करके जाता हूँ टाइम को। ये देखें ये पहाड़ों का ट्रैक्टर यहाँ पे कामयाब है, ये सारे लगे हैं। भाई को मैंने इशारा किया है, अगर आ जाएँ तो उनसे थोड़ी गपशप लगाते हैं, पूछने क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उसने ये क्या काश्त कर रहे हैं इधर? मटर। वैसे आलू उधर होता है? अच्छा आलू उधर ऊपर लगाएंगे, इधर आलू मटर प्याज। अच्छा मकई, यानी कि आलू और मटर की अक्सरियत है। अच्छा आलू और मटर की अक्सरियत ज़्यादा है, ठीक है। ये से हमारे कमान के आलू और मटर दोनों चीज़ें बहुत मशहूर हैं। अच्छा अच्छा ये दोनों मशहूर हैं। और ये कब तैयार हो जाती हैं? अगस्त के शुरू शुरू में। अगस्त के शुरू में तैयार होगी, ठीक हो गया। तो आपकी कितनी ज़मीन है यहाँ पे? ज़मीन तो बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बस ये जो काश्त के काबिल है वो यही जो सामने, वैसे ये भी हमारी ज़मीन है, ये ऊपर उधर से ऊपर सब हमें। अच्छा पहाड़ों पर भी? पहाड़ों पर भी हमें, यहाँ से आगे निकल के हमारी जो तो मटर यहाँ का किस जगह पे लेके जाते हैं? मंडी में, मंडी रावलपिंडी भी जाती है, लाहौर भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। अच्छा लेकिन इधर का मटर जो है ना जायकेदार बहुत है। आपका नाम क्या? मेरा नाम अनीस आलम है। अनीस आलम, चलो ठीक है अनीस भाई, बहुत शुक्रिया। ओके ये आ गया बड़ो भाई। बड़ो भाई जब भी मैं आता हूँ मुझे अपना 2016 वाला सीन याद आता है कि मेरी लड़ाई हुई थी यहाँ पे। अब वो क्यों हुई थी कि मैं जा रहा था खुंजरा पास, बड़ी ईद का दिन थे, दूसरे दिन निकले थे हम, क्योंकि मैंने बताया कि मैं नारान में कभी नहीं रुका, आगे व्यू प्यार है। हम यहाँ रुके, हमसे गलती ये हुई कि हमने रूम लिया और बहुत सस्ता मिल गया था, हमें 500 रुपये का रूम मिल गया था। ईद का दूसरा दिन था, ये राइट साइड वाला जो येलो कलर हुआ है ये अभी थोड़ा नया बन गया, पहले पुराना था। यहाँ पर भी सारे देखे राइट लेफ्ट बाज़ार होटल हैं, यहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। आपने करना ये है कि जब आप किसी होटल में कहीं भी रुकें, शुरू में आप अपने एंट्री करा लें और कुछ एडवांस उनको दे दें। अगर 2000 रुपये डन हुआ तो 500 रुपये दे के आप बुक कर लें। हमसे गलती ये हुई कि हमने उनसे डन किया, बैग रखे, मोटरसाइकिल लिए और घूमने फिरने निकल गए नीचे दरिया की तरफ। तो वापस आए तो कमरा उसने किसी और को दे दिया। रश हो चुका था नारान फुल, तो उसने बोला भाई आपने कोई बयान एडवांस नहीं दिया, हमें क्या पता आपने रहने के लिए। उसने वो वाला रूम 2000 में दे दिया। थोड़ा सा मुँह मारी होगी, लेकिन ये है कि फिर हमने किसी और जगह पे रूम ले लिया। तो आप इससे बचें। ये आ गया जलखट। जलखट मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है, जल्दी पहुंच जाऊं तो मैं जलखट रुकता होता हूं। एक तो वो दोस्त बन गए हैं, ये आप होटल पे लेके जाता हूं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त बात ये है यहाँ पे आपको बहुत सस्ता खाना मिलेगा, यहाँ पे पार्किंग फ्री है और वाशरूम भी फ्री है। पूरी आप फैमिली को ले जाएँ, सारे वाशरूम यूज़ करें, पूरी कोस्टर ले जाएँ तो बिल्कुल फ्री है। बाकी देखें ये छोटे छोटे होटल टक शॉप बनी है, और सामने वो उधर पकोड़े वाला बैठा हुआ, उसके पास उबले हुए आलू भी होते हैं। इधर पंचर की शॉप है, मस्जिद है। एक मिनट में यहाँ से रोड क्रॉस कर लूँ। इसके ऑनर हैं शाहजहान भाई, ये बहुत ही अच्छे बंदे हैं, अखलाकी बंदे हैं। सामने उनके पास जी भी है, आप नूरी टॉप भी जा सकते हैं, यहाँ से क्रॉस है नूरी टॉप पर जाते हैं, आप वहाँ भी जा सकते। चाय पी और बाहर निकले तो बारिश, यहाँ फौरन मौसम चेंज हो जाता है, कोई पता नहीं चलता, इतनी तेज बारिश। जब मैं आया था तो कैसा मौसम था, और अब देखें। ये मैं आ गया हूँ आगे
लोलो सर लेक। आपको यहाँ की एक मज़े की बात बताऊँ कि दरिया कनहार यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जो आपको नज़र व्यू नज़र आ रहा है ये बिल्कुल इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये दरिया कनहार के स्टार्टिंग जो है यहाँ से होती है। ये इसका लोलो सर का आउटफ्लो है और यहाँ से दरिया कनहार शुरू होता है। ये देखें लोलो सर लेक लिखा हुआ है, सिर्फ लोलो सर लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक सब्ज़ झील है, सब्ज़ पानी है इसका। इसकी एक अच्छी बात कह लें या बुरी कह लें, ये एक फ़ोटो में नहीं आती। अगर आप फ़ोटो बनाएं तो कभी भी ये मुकम्मल फ़ोटो में नहीं आएगी कि आप कहें कि मैंने एक फ़ोटो में इसको कैप्चर कर लिया। ड्रोन से ले सकते हैं वैसे नहीं। ये इसका एंड पॉइंट की तरफ मैं आ गया हूँ, आगे मैंने स्टॉप नहीं किया थोड़ा। ये देखें सारा रश लगा हुआ है और यहाँ से बचने का बेहतरीन तरीका, आप सुबह सवेरे निकलें, आप यहाँ से इजीली निकल जाएंगे और अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। ये रश क्यों है आप आगे जाके दिखाता हूँ। ठीक है, बाइक हमारे ये खड़े हैं और बाइक वाले हमेशा आगे निकल जाते हैं क्योंकि मार्जिन मिल जाता है, थोड़े एरिए से भी वो निकल जाते हैं। ये रश इसलिए बना है कि यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस जिन गाड़ियों का काम है वो फंस जाती हैं। जैसे ये कार रुकी हुई है, ये नीचे से लगते हैं, ये रुकते हैं और पीछे ऐसा ऐसा करते करते वो लंबी लाइन लग जाती है। ये देखें लोग तंग आके निकलना शुरू हो गए और पैदल ही चल रहे हैं और गाड़ियों वाले कछुए की चाल ऐसा ऐसा गाड़ियां चला रहे हैं। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि अगर आपने बाबू सर जाना है या सीधा आगे हंसस को उर्दू जाना है तो आप सुबह सवेरे ये एरिया क्रॉस कर जाएँ, आप टेंशन से ट्रैफिक जाम से बच जाएँगे। ये ऊपर सामने ग्लेशियर है, वहाँ से पानी आ रहा है और ये नीचे से गुजर है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये पुल है, इसके नीचे से गुजर है। या इस जगह की एक वीडियो मेरे चैनल पर है, आज से 11 साल पहले 70cc पे टूर। यहाँ पे देखिए क्या 70cc गुजार है और आधा उस पानी के अंदर है। तब ये रोड नहीं होता, तब टोटली ऑफ रोड था। उस टाइम ये सारे कच्चे रोड थे। मेरे दिल है मैं वो अपने डेटा इकट्ठा करूँ, एक वीडियो बनाऊँ। 70 पे मैं आता था, 2011 में आया था, 2012 में फ़र्स्ट टाइम सकर्दू गया था और अब जा रहा हूँ सकर्दू। अब बारी आई है, मैं पूरा नादरन एरिया विज़िट कर चाहूँ। चैनल अब बनाया लेकिन मैं 2011 से टूर कर रहा हूँ। ओह सामने देखें जी बादल, आ हा 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 क्या व्यू है यार बाबू सर का। सारे पहाड़ बादल से ढके और स्नो देखें कितनी ज़बरदस्त हुई हुई है। फौरन फटाफट पहुँचते हैं कि बादल हमसे पहले ना चले जाएं, हम उनसे पहले पहुंच जाते हैं। बहुत प्यारा व्यू है और बाइक अल्हम्दुलिल्लाह मिसिंग नहीं कर रहा। ये जी हम पहुंच गए बाबू सर, इससे पहले कि बादल जाते हम पहुंच गए। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूँ कि बंदे की नीयत इतनी जल्दी नहीं बदलती जितने इन एरिया का मौसम बदलता है। बहुत जल्दी मौसम चेंज होता है। पहले धूप थी और फिर बारिश हो गई जलखाड़ में, फिर मौसम साफ़ हो गया, फिर बादल आ गए और ये देखें कितने ज़बरदस्त बादल हैं और इतनी तेज़ हवा चल रही है, आपको फील भी हो रहा है। ये देखें बादल ऐसे उड़ रहे हैं जैसे किसी ने लकड़ियाँ जलाई हों। भाई बहुत प्यारी जगह है, आप यहाँ लाजमी आया करें। अक्सर लोग नारान आते हैं उसको हाथ लगा के वापस, या बहुत किया तो झील से हमें लोग परियों की झील को हाथ लगाया, वहाँ पे हाज़िरी दी और वापस। भाई नारान से आगे सारी खूबसूरती है, यहाँ पे आया करें, बहुत प्यारे व्यू हैं। यहाँ पे आपको इतने व्यू मिलेंगे कि असल मज़े ही नारान से आ गया। 70 यहाँ इतने दूर से आप आ जाते हैं यार, 70 किलोमीटर का एरिया और टोटली कारपेट रोड है, कोई ऑफ रोड नहीं है। आप इंजॉय करें, माने यहाँ 3 दिन भी गुजारें ना आप नारान से आगे तो कम है। बेहतरीन एरिया, बहुत प्यारी जगह, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। ये ले जी मौसम साफ हो गया, बादल निकल गए, हमने चाय शाय पिया, थोड़ा स्टे किया। ये हो गया मौसम साफ और ये देखें जी नीचे गट्टी दास मेडोज, बहुत प्यारी जगह है। वापसी पे इंशाल्लाह मैं यहाँ पे जाऊँगा और वो सामने एक जगह झील है। ये आप देखें बाबू सर वाला रोड जो भी क्रॉस करके हैं, उससे नीचे ये कच्चा रास्ता जा रहा है। ये कच्चा रास्ता यहाँ से आते आते नीचे आता है और इस गट्टी दास मेडोज से होते हुआ, ये देखें नीचे कुछ आबादियाँ भी आपको शायद नज़र आ रही हों। और ये नाली सी जो पानी पतला सा नज़र आ रहा है ये दरिया टाइप है। ये कच्चा रास्ता यहाँ से जाता है और वो सामने पहाड़ों में झील है। ये चेक करें, इंशाल्लाह वापसी पे सकर्दू से वापसी पे यहाँ पे रुकूँगा। इसका नाम धमसर है गालबन, मैं भूल गया, अगर आपको पता है तो कमेंट्स करते हैं, माइंड में नहीं आ रहा, भूल गया अचानक। ये देखिए अभी मौसम कितना प्यारा हो गया,
थोड़ी देर पहले बारिश थी। तो सब्सक्राइब अगर दिल माने तो कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। मैं बहुत कम ही बोलता हूँ वरना अक्सर लोग शुरू में ही बोलते हैं कि चैनल को ये सब्सक्राइब वगैरह करें, तो इसके कहने की ज़रूरत नहीं। अगर वीडियो इस काबिल हुई तो आप इंशाल्लाह कर देंगे।